हाय सीमा, कैसे हाय सर। बढ़िया हो आप? सर। अच्छा, आप हो कहाँ से सीमा? मैं तरकावाड़ी से, तोपटा कहाँ से? के पास। चोपटा के पास। हाँ जी, अच्छा, ये कहाँ पे पड़ता है, कौन सी स्टेट में? ये सिरसा। सिरसा। अच्छा, ये मतलब आप हरियाणा से हैं आप। हाँ जी। अच्छा, तो सीमा आप सबसे पहले ये बताइए, आपका हमारे पास कौन सी बीमारी का इलाज चल रहा था? मेरा वैसे जाइयों का और पिंपल का। झाइयों का और पिंपल्स का। झाइयां हाँ जी, सीमा जी, आपको कितने टाइम से थी? मेरे को वैसे तो 1 साल से ही थी। 1 साल से ही झाइयां थी। हाँ जी, स्टार्ट कैसे हुई थी, आप एक बार ये बताइए। होना ये मेरे को ऐसे ही हो गई थी, कुछ भी नहीं लगाया था कुछ मैंने भी तो। हाँ, नहीं लगाया था, ऐसे ही मतलब होनी स्टार्ट हो गई। धूप में जाते थे आप ज्यादा, तो वैसे काम होता ही है पूरे दिन घर पे। पूरे दिन का धूप में काम होता। और आप कोई क्रीम वगैरह लगाते थे कुछ भी? नहीं, मैंने एक बार वो ममार्थ का प्रोडक्ट यूज किया था, और तो कुछ यूज नहीं अच्छा, और किया। सनस्क्रीन वगैरह कुछ ऐसा नहीं सर, मैं कुछ कुछ नहीं भी ऐसा लगाती नहीं ऐसे किया, तो। लेकिन झाइयां फिर भी हो गई। हाँ जी, तो अब सवाल ये आता है कि झाइयां कैसे हो गई भाई, जब कुछ लगाया ही नहीं, कुछ करा ही नहीं। तो कई बार ना, जो झाइयां होती हैं, वो जो हमारे शरीर के अंदर डेफिशिएंसीज होती है, लैक ऑफ विटामिन्स वगैरह होते हैं, उसकी वजह से भी झाइयां हो सकती हैं। तो झाइयों का ना एज सच कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। कुछ मेकअप करते हैं उससे हो जाती है, कोई पार्लर में ब्लीच करवा रहा है उससे भी हो सकती है, प्रेगनेंसी में हो रही है, बहुत ज्यादा जिनका धूप में काम हो रहा है उनको भी हो सकती है, बहुत ज्यादा जो नहीं सर, सनस्क्रीन प्रेगनेंसी में वगैरह। तो मेरे को हुई नहीं, ये बाद में हो गई। अभी प्रेगनेंसी क्या? में तो मेरे को कुछ नहीं हुआ हाँ जी, था, तो मैं वही पिंपल चीज हुए कह रहा हूँ पहले, कि फिर जाइए शुरू हो गए। ये पहले पिंपल निकलने शुरू हुए, फिर हाँ झाइयां हो गई आपको। हाँ अच्छा, जी। पिंपल्स की आपने कोई दवाई वगैरह ली थी कहीं से नहीं सर, भी? कुछ नहीं लिया मैंने, वो अच्छा, पी थी सोफी, सोफी पी थी। साफी साफी हाँ जी, साफी पी साफी थी की तो आपने। मैंने 3 4 बोतल पी ली। अच्छा, उससे कुछ फर्क हुआ था? नहीं सर, कुछ भी नहीं, राम जैसे पी रही थी उससे ज्यादा ही हो रहा था, कुछ नहीं हुआ। तो मतलब आप पिंपल्स और झाइयों के लिए आप परेशान हो गए थे, वो ठीक नहीं हो रहे थे। हाँ जी, आपने साफी पी ली, उससे भी ठीक नहीं हुआ। अच्छा, इलाज आपने इसके अलावा कहीं नहीं करवाया, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए? नहीं कहीं नहीं गई मैं दूसरी जगह। तो तो आपको पता हमारे बारे में शुरू में कैसे चला? मैंने मैम की वो वीडियो देखी थी कौन सी, यूट्यूब कौन पर, उसे सी? ऐसे यूट्यूब पर मैम की वीडियो देखती थी मैं। फिर अच्छा मैंने उनसे नवारा फेस वॉश मंगाया, एक वो ऑयल मंगा लिया था, हाँ एक ग्लोइंग क्रीम आती है वो मंगाई थी हाँ पहले। हाँ ठीक है। फिर उनसे मेरे को जाइया तो खत्म हो गई, पिंपल्स रह गए थे। हाँ आप ये कह रहे हो कि आपने फेस वॉश मंगवाया था और आपने वो क्रीम मंगवाई थी नवारा क्रीम, और उससे हाँ आपकी झाइयाँ जी, ठीक हो गई? हाँ उससे मेरे जाइयों में आराम हो गया था। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद? मेरी श्वेता मैम से बात हुई, श्वेता मैम को मैंने बोला मेरे को पिंपल बहुत ज्यादा हो रखे हैं। हाँ, फिर श्वेता मैम ने बोला अभी आप मेडिसिन शुरू करो। ठीक है। हाँ, फिर मेडिसिन मैंने ली, 4th मंथ तक ली। पहले तो 2रे मंथ में मेरे को थोड़ा थोड़ा पिंपल में आराम होने लग गया था। अच्छा, पहले महीने कोई अब आराम नहीं हुआ मैंने, था? नहीं तो 1 मंथ में तो नहीं हुआ, 2रे मंथ से थोड़ा थोड़ा आराम अच्छा होने लग सीमा गया था। जी, आप मेरे को एक बात बताओ कि आप कभी मिले नहीं थे डॉक्टर उपासना से, कभी नहीं नहीं मिले थे ना? आपने नहीं ऑनलाइन वीडियो देखी, आपने दवाई मंगवाई, ठीक है। हाँ जी, अच्छा, एक चीज आप मेरे को बताओ सीमा जी, कि जब आप कभी मिले नहीं और पहले महीने में जब आराम नहीं आया, तो क्या आपके मन में ऐसा आया कि कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो गया, कुछ आराम नहीं मिल रहा, क्या करूं मैं? नहीं सर वैसे तो नहीं। फिर वो मैम की मैं पूरे दिन लाइव वीडियो ये देखती थी, रिव्यू देखती थी पूरे दिन। अच्छा फिर मेरे को लगा था अच्छा आप एक बार यूज जो करके हमारा देखूं। YouTube चैनल है, आप उस पर रिव्यूज वगैरह आप देखते, जो जो पेशेंट के आते थे? हाँ पूरे दिन देखती हूँ सर, मैं वो ही देखती हूँ, उपासना मैम की देखती हूँ। वैसे तो आते तो बहुत सारे, पर मैं देखती हूँ उपासना मैम की हूँ शुरू अच्छा से ही। ठीक है मैम, वैसे मेरे ठीक को हो है। गया 2 साल लगभग हो गए यूट्यूब पर वीडियो देखते हुए। हाँ अच्छा, तो जैसे कई लोग ना जो वीडियो को देख रहे होंगे वो कंफ्यूज ना हो, कई लोग कई कमेंट आते हैं कि दवाई कौन देगा, तो भाई मैं दवाई दे, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर उपासना का हस्बैंड हूँ, एंड मैं ये यूट्यूब चैनल मैनेज करता हूँ, क्योंकि मैम के पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो पेशेंट्स के साथ रिव्यूज ले पाए, क्योंकि पूरे दिन वो मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करने में ही बिजी रहती है। अब आपके सामने सीमा जी हैं, कभी मिली नहीं है हमसे, नहीं कभी नहीं आए यहाँ पे, सर, बस एक बार बात हुई थी मेरी, पिछले मंथ हुई थी मैम से, ठीक दो है मिनट बाद। ठीक हाँ, है। श्वेता मैम से ही बात होती है श्वेता, हमेशा मेरी। अब जैसे श्वेता मैम से इनकी बात हो रही है, श्वेता मैम जो है वो हेल्थ काउंसलर है यहाँ पर, तो क्या होता है हाँ जी कि सर, हमारे? वैसे मैं 1 साल से प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ मैम के, अच्छा, फेस हाँ वॉश है, नवारा क्रीम है, हाँ ठीक है। ये मैं 1 साल से यूज कर रही हूँ।
ठीक है, तो जैसे इनकी बात हो रही थी श्वेता मैम से, श्वेता हमारे यहाँ पे, श्वेता मैम जो है वो हेल्थ काउंसलर हैं। तो क्या होता है, इन्होंने अपनी बीमारी जो बताई, सारी हिस्ट्री बताई, वो नोट डाउन की श्वेता ने। श्वेता वो सारी हिस्ट्री नोट डाउन करके फॉरवर्ड करेंगी डॉक्टर उपासना को। फिर क्या होता है, एक साथ सारे पेशेंट्स की हिस्ट्री आ जाती है, उसके बाद डॉक्टर उपासना बैठ के सबकी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करती है। तो आप लोग ये मत सोचना कि इनकी बात हेल्थ काउंसलर से हो रही थी तो हेल्थ काउंसलर मेडिसिन देंगे। हेल्थ काउंसलर सिर्फ और सिर्फ इनकी हिस्ट्री नोट डाउन की उन्होंने, और वो हिस्ट्री नोट डाउन करने के बाद जो मेडिसिन है वो डॉक्टर उपासना ही दे रहे हैं। एक्चुअली अब जैसे मैम है हाँ जी, सिरसा उन्होंने से, बोला था उपासना हिसार मैम, से, पहले वो रिपोर्ट मांगती है मेरी सभी, फिर वो उपासना मैम को दिखाती है, फिर अगले दिन मेडिसिन होती है मेडिसिन आती मेरी। है। हमारा जो हॉस्पिटल है वो नजफगढ़ दिल्ली में है। सिरसा से देखो 3 घंटे तो लग जाएंगे नजफगढ़ पहुंचने हाँ में, जी सिरसा से 2 घंटे लगा लो भादरगढ़ के, भादरगढ़ से आप 1 घंटा लगा लो यहाँ तक पहुंचने के, है ना। फिर हाँ, यहाँ पे वैसे मेरे वेटिंग। भैया ने ऑर्डर की थी यहाँ से दुआई, मेरे भैया रहते हैं दिल्ली अच्छा में, ठीक है, वो आए थे मेरे पास दीपावली पर, वो बोल रहे थे आपका फेस देखो कितना गंदा हो रखा है, हाँ, मेडिसिन क्यों अच्छा नहीं ऑर्डर करती। फिर मैं, उन्होंने ऑर्डर की है, वहां से ही होती है मेरे गांव से, बोजासर से, बादरा से, वही अच्छा ठीक मेडिसिन है आती है मेरी। जी। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 घंटे आने के, 3 घंटे जाने के यहाँ ओपीडी में वेट करना पड़ता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जब भी नंबर आता है। तो आप लोग ये खुद सोच के देखो कि आपका जो ये टाइम इतना है वो बच पाए, इसीलिए हमने ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट की है, और आपको घर बैठे बैठे डॉक्टर उपासना ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। अच्छा एक सवाल ये आ रहा है सीमा जी, कितना हाँ जी, परसेंट ठीक हुआ है आपका? मेरा 90% हो चुका है। 90% आप कह रहे हो आपके पिंपल ठीक हो गए हैं, हाँ जी, और झाइयां? जाइया तो बस थोड़ी बहुत रही है, 1 तो% थोड़ा थोड़ा दिखता है, वैसे नहीं है। झाइयां और पिंपल, अच्छा कितने टाइम में ठीक हुई है आपकी ये? मेरी अभी 5th month की चल रही है, 4th month मैंने ले ली है। 5 महीने के अंदर आपके सामने सीमा जी हैं, सिर्फ 5 महीने 5 महीने तो में। कंप्लीट हुए, 5 महीने के तभी शुरू की है मैंने, 2 दिन या 3 दिन हुए, 4th month ही ली अभी तक तो। 4th month ही हुए हैं, 4 महीने के अंदर 90% पिंपल्स में आराम है, और झाइयों में मैम कह रही है 1-2% ही बची हुई है, पर हम मान लेते हैं कि चलो कोई नहीं, 5-10% बची हुई है। हाँ तो जी 90% पिंपल्स और झाइयों में आराम है, सिर्फ 4 महीने में आपके सामने ही रिजल्ट है। अब इस वीडियो को देख के कई लोग ये कमेंट कर देंगे, मैं तो 4 महीने से ले रहा हूं, मुझे तो 20% आराम है, मैं 6 महीने से ले रहा हूं, मुझे इतना आराम है। आप ये देखो सीमा जी ने ना, इनका जो एक तो प्रॉब्लम थी वो साल भर से थी। पिंपल कितने टाइम से हो रहे थे आपको? पिंपल तो थे मेरे को 3-4 साल से थे, तीन चार अभी साल कुछ से थे? दिन अच्छा हो गए। हाँ जी, 3-4 साल से पिंपल थे आपको, लेकिन आपने और कहीं से दवाई ली नहीं थी, नहीं मैंने कहीं से स्टार्ट नहीं की, मैंने तो तो यही इसमें क्या देखा था, होता फिर यहीं है से कि शुरू की। इसीलिए मे बी एक ये रीजन हो सकता है कि हमारी मेडिसिन जो है इनकी बॉडी ने वो बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर दी। और दूसरी चीज आप ये समझो कि यार किसी को बुखार होता है, कोई सिर्फ एक टेबलेट खा के वो ठीक हो जाता है, और किसी को 5 डोज लेनी पड़ जाती है। तो हर एक इंसान की जो बॉडी है वो बहुत डिफरेंट रिएक्ट करती है मेडिसिन से। इवन मेडिसिन की बात छोड़ो, खाने से, किसी को पानी भी लग जाता है, और कोई चाहे कितना जंक फूड खा ले वो फिर भी बिल्कुल पतला रहता है। तो इसीलिए हमारे जो शरीर एब्जॉर्ब कर रहा है, चाहे वो मेडिसिन हो, खाना हो, पानी हो, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि पेशेंस रखो, जरूरी नहीं है हाँ, कि अगर अभी मेरी पेशेंस। भाभी ने भी शुरू की है 2rd month से अच्छा ठीक मेरे है, को देख के। हाँ 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 ठीक है, जी, उनको कितना आराम मिल रहा है? उन्हें तो अभी तक आराम है, उनका तो 2rd month ही शुरू हुआ है अभी दूसरा तक, मंथ कल ही ही आई शुरू उनकी मेडिसिन हुआ, 2rd month ठीक की। है। हाँ तो जी देखो हर एक इंसान की ना जो ये मेडिसिन हमारी हैं उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो वेरी करता है। अब ये मत सोचो कि हम इसीलिए गारंटी नहीं देते कि 6 महीने में ठीक, 1 महीने में ठीक, क्योंकि अगर होने को ठीक किसी को तो 1 महीने में भी रिजल्ट आ रहा है। आपको 1 महीने में रिजल्ट नहीं दिखा, दूसरे महीने में दिखना शुरू हुआ, किसी को चौथे महीने में रिजल्ट दिखना शुरू हो रहा है, और किसी को ऐसा हो रहा है कि चौथे महीने में तो रिजल्ट दिखना शुरू हो रहा है और 5वें महीने में बिल्कुल ठीक। तो इसीलिए आप लोग पेशेंस रखो। आप नीचे ये कमेंट करोगे मुझे तो आराम ही नहीं मिल रहा, 1 महीना हुआ, आपको शुरू में ही बताया जाता है कि आप लोग मान के चलो कि 6 महीने तक आपको ट्रीटमेंट लेना है, उसके बाद आप बताना कि आराम मिला या ना मिला। आप 1 महीने 2 महीने में बोलना शुरू कर दोगे, घबराना शुरू कर दोगे, बार बार फोन करना शुरू करोगे, वो सॉल्यूशन नहीं है। हम यहाँ पे आप लोगों की मदद के लिए ही बैठे हैं। आप लोग ये समझो, इतने सारे लोग जो रिव्यू दे रहे हैं, एक बंदा झूठ बोल सकता है, 2 बंदा झूठ बोल सकता है, कितने, इतने लोग तो झूठ नहीं बोल सकते।
अब हम नहीं सीमा भैया, जी से गाइड भी बात, बहुत अच्छे से करती है, श्वेता मैम भी बहुत अच्छे गाइड करती जी है, हर मैम, अब आप एक ये चीज देखो सवाल का कि जवाब देती है। इंस्टाग्राम पे लाइव बात हो रही है। अच्छा आप ये बताओ सीमा जी, क्या इससे पहले मेरी आपसे बात हुई है? मेरी नहीं सर, कभी नहीं हुई, मिलने फर्स्ट की टाइम इच्छा बात। जरूर है, कभी मिल जाएंगे, जरूर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे सीमा जी, बिल्कुल मिलेंगे। आप ये देखो फर्स्ट टाइम हम बात कर रहे हैं, इससे पहले हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। इंस्टाग्राम पे लाइव रिव्यू चल रहा है, बोलने को सीमा जी कुछ भी बोल सकती हैं, ठीक है। लेकिन जितना इन्हें रिजल्ट है ये आपके सामने बिल्कुल ऑथेंटिक, आज तक ऐसा कोई यस, देख ही रहा डॉक्टर होगा, नहीं है। मेरा एकदम क्लियर हो चुका है। जी पहले बिल्कुल, यहाँ आपके बहुत सारे, यहाँ पे एकदम बिल्कुल को देखो चिकित्सा बन गया था। आपके सामने ही फेस पूरा क्लियर है। अब कई लोग कहेंगे बिफोर वाली फोटो डालो, ऐसा है कि हमारे पास हर एक पेशेंट की बिफोर की पिक्चर नहीं होती है, और दूसरा आजकल के कैमरे इतने अच्छे हैं ना कि जो बिफोर की फोटो हम क्लिक भी करेंगे तो वो फोटो जब हम कैप्चर करते हैं ना तो उसमें वो क्लियर दिखाई देता है, उतना ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो नहीं दिखाई देती है। तो अगर लाइव कोई बता रहा है तो आप उस पर विश्वास करो ना यार, कि लाइव कितने लोग झूठ बोलेंगे, और इससे ज्यादा आपको क्या बताया जा सकता है कि लाइव पे बैठ के बात चल रही है हमारी। तो सीमा जी कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हमारे साथ? बहुत अच्छा रहा भैया मेरा कोई तो, दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, श्वेता अच्छा मैम बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, मेरे अच्छा तो डॉक्टरों टाइम पर पास, ही मेडिसिन आ अच्छा जाती है। डॉक्टरों पास के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छे है मैम, मैम से मेरी एक दिन ही बात हुई है, मैम से मिलने का मन करा है, कभी दिल्ली आएंगे तभी मिलके जाएंगे। ठीक है, आप आना कभी जब आपका कभी मिलने का मन हो, और अगर मैम यहाँ पे अवेलेबल हाँ हुई तो यहाँ आप मेरे जरूर भैया मिल। रहते हैं, पर भाई है, कभी आएंगे तब आएंगे। चलिए ठीक है सीमा जी, थैंक यू सो मच कि आपने इतना अपना कीमती वक्त निकाला और इतना अच्छा रिव्यू शेयर किया, और उम्मीद है सीमा जी की वीडियो देख के जितने भी लोगों के मन में शक है कि भाई क्या जो ये पिंपल झाइयां ये सारी बीमारियां जड़ से ठीक हो सकती हैं, मैं कह रहा हूं हमारे यहाँ हर बीमारी का जड़ से इलाज है। जाकर हमारा चैनल देखो, उस पे हर एक बीमारी की वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, एक थैंक यू बार सो जरूर मच। विजिट करके देखेंगे तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सीमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।